ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो, आप जैसा कि टॉपिक देख ही रहे हैं, ठीक है, अबाउट हमारा जो सोलर एक्लिप्स है कल, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून भी है कल, तो डेफिनेटली एनर्जीज अफेक्ट करने वाली हैं कलेक्टिव पर। वही सब कुछ आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्या इफेक्ट्स रहने वाले हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स पर, कलेक्टिव पर, फिजिकल सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या चेंजेस लेकर आएगा ये सोलर एक्लिप्स, ये सब कुछ हम शेयर करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सोलर एक्लिप्स, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स होता क्या है। गाइस, देखिए, जब अर्थ एंड सन के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, और मून का जो रिफ्लेक्शन अर्थ पर पड़ रहा है, तो उसे हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कह रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रभाव है, बेशक हमारे इंडिया में हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, विजिबल नहीं होगा ये ग्रहण सुबह मॉर्निंग में। इसका जो टाइम है 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइमिंग है इस ग्रहण का, बट इंडिया में ये विजिबल नहीं है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया साइड, साउथ साइड जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये विजिबल होगा। तो बेशक अगर हमारे इंडिया में ये दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अगर हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर कोई ऐसी इंसिडेंट हो रहा है, कोई एक्लिप्स है, तो उसका अफेक्ट, उसकी रेज तो डेफिनेटली पूरी अर्थ, पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ता है। तो यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कोई स्टार सीड है, तो आप एक चैनल का काम कर रहे हैं इस अर्थ पर। आप बहुत जल्दी ही कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव कर पाते हैं एज अ चैनल, तो आपको ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट कर सकती हैं, और इसका अफेक्ट आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी फील कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूँगी जब से हमारा फुल मून गया है, आप में से बहुत से लोग मैसेज पर, और जितने भी मैंने अपने एनर्जी अपडेट्स चैनलिंग शेयर की हैं, ऑलमोस्ट आपको बताया है कि एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं इस टाइम पीरियड में। इंटेंस एनर्जी होने का कारण भी बताया है आप लोगों को कि इस टाइम पर जो हमारा सन है वो एरीज में है, एरीज इज ऑल्सो अ फायर साइन, तो एग्रेशन वगैरह इस टाइम पर वैसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सोलर एक्लिप्स इस एनर्जी को और ज़्यादा इंटेंस करने वाला है। इसका अफेक्ट आप लोग देखेंगे कि आपका एग्रेशन बढ़ सकता है सडनली, विदाउट एनी रीज़न, एंगर, एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। आप नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास लोग आपको बहुत एग्रेसिव दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़ा आसपास दिखाई देगा, सडनली आप फील करेंगे कि आपके आसपास बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ इस तरह की इंटेंस एनर्जीज हैं जो इस चीज़ को, इस एनर्जी को और ज़रा पुश देंगी, इस एक्लिप्स की एनर्जी को। तो ये सब कुछ आने वाले टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग फील भी कर रहे होंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस टाइम पीरियड में, जैसा कि आप जानते ही हैं, ग्रहण के टाइम पे आपको ज़्यादातर मंत्र जाप ही करना चाहिए। मंत्र जाप से क्या होता है, आप अपने ऑरा के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं उन मंत्रा से, कि आपको ग्रहण का अफेक्ट किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है, आप हैवी एनर्जीज को फील नहीं करते हैं। तो यही कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने चाहिए, जितना हो सके मंत्र जाप करें। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में आप जप अजप करते रहें, या अगर आप किसी तरह का कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई गुरु मंत्र है, उसे आप जाप करें, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। और इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं इस एक्लिप्स के, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन बढ़ गई है, इल्यूजन्स बहुत क्रिएट हो रही हैं आपके आसपास, बिकॉज ये जो ग्रहण है ना, ये इतनी इंटेंस एनर्जी को लिए हुए है कि आप देखेंगे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है,
आप किसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, कोई इल्यूजन आपको अननेसेसरी परेशान कर सकती है, और अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे या अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करेंगे, आप उस इल्यूजन को ब्रेक भी कर सकते हैं। आप सडनली पहचान जाएंगे कि आप कहाँ अपने आप को भटक रहे हैं, आप कहाँ किस तरह से भटक रहे हैं। ये चीज़ों को आप सडन रियलाइज कर सकते हैं अगर आप जो है डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जो लोग डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, वो इन इल्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है उन लोगों के साथ, या एग्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए यही मेन गाइडेंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, ताकि आप किसी तरह के इल्यूजन या मैनिपुलेशन का शिकार ना हो। और गाइस, ये एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग भी है, क्योंकि ऐसा मुझे एक चैनल मैसेज भी मिला है जिसमें स्पेशली फेमिनिन एनर्जी इल्यूजन का शिकार हो सकती है, मैनिपुलेशन का शिकार हो सकती है। आप सडनली किसी तरह का डाउट में आ सकते हैं, या कोई ना कोई कंफ्यूजन आपको आपकी जर्नी को लेकर, या खुद के ऊपर डाउट करना, इस तरह की चीज़ें आपको सडनली दिखाई दे सकती हैं, बिकॉज इल्यूजन की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना है, इल्यूजन में फंसना नहीं है। देखिए, ये इल्यूजन होता है मैनिपुलेशन, एक चक्रव्यूह की तरह आपको फंसा देता है, जहाँ पर आप अपनी पूरी जो आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसको छोड़कर इल्यूजन्स में फंस जाते हैं और फिर से अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको किसी तरह के इल्यूजन में नहीं फंसना है, अपनी आपको डिवाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, और अगर मैं बात करूँ हमारे कलेक्टिव लेवल पर ट्विन फ्लेम्स पर क्यों और कैसे इफेक्ट करने वाला है ये जो सोलर एक्लिप्स है, देखिए आप जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम हमारा चैनल, ऑब्वियसली अगर ट्विन फ्लेम चैनल है तो मेरा सबसे मेन मोटिव यही होता है कि आप लोगों के लिए जो भी एनर्जीज हैं आपको किस तरह अफेक्ट करने वाली हैं उसके बारे में आपको अवेयर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँ, अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी पर। सोलर एक्लिप्स जब भी होता है मैस्कुलाइन एनर्जी पर बहुत ज़बरदस्त अफेक्ट डालता है। मैस्कुलाइन एनर्जी ज़रूरी नहीं कि आपके डीएम होंगे, आपकी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ पर अफेक्ट होने वाली है, और ऑलरेडी कुछ लोग इस एनर्जी फील्ड में खुद को फील कर रहे होंगे जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैस्कुलाइंस को बहुत से ट्रिगर्स मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ पर मूव कर रहा है, किसी तरह की वाइब्रेशन आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा में फील कर सकते हैं। लॉट ऑफ पर्जिंग होगी यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी की, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर सकता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब भी पर्जिंग से गुजरता है, पर्जिंग होती है, तो आपका एग्रेशन, आपका एंगर, ये चीज़ें बाहर आती हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी की ईगो जो होती है वो चीज़ें बाहर आएंगी। यहाँ पर आपकी ईगो भी सामने आ सकती है, किसी तरह से आप ईगोइस्टिकली बिहेव कर जाएंगे, सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये सब कुछ जो आपके अंदर आप ही के सोलर प्लेक्सिस चक्रा में एम्बेडेड था, कुछ पास्ट लाइफ टाइम का हो सकता है, कुछ आपके पास्ट इश्यूज हो सकते हैं जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पर्ज आउट होंगी। तो आपका एग्रेशन डेफिनेटली निकल सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है विदाउट एनी रीजन। आपको कार्मिक ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त मिल सकते हैं इस टाइम पर, या कुछ लोग आपके आसपास ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं और आप सडन रिएक्ट कर जाएंगे, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। और यहाँ पर आपका जो है थ्रॉट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि देखिए मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, सडन रिएक्ट करती है। तो जो कुछ भी आपके अंदर दबा हुआ था, मे बी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ सकती हैं जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इस तरह से मैं रिएक्ट करूं, या कुछ चीज़ें अगर आप बर्दाश्त कर रहे थे बहुत टाइम से, टॉलरेट कर रहे थे अपने कार्मिक्स की, हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप बहुत टाइम से
गलत हैं और आप टॉलरेट कर रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि आप टॉलरेट कर ही नहीं पाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे। आप उस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, जो सही होगा उसके लिए आप एक्शन लेंगे, और सही जो आप मतलब जो आप चाहेंगे कि मैं राइट डायरेक्शन में कुछ बोलना चाहता हूँ या कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो वो आप कर जाएंगे इस टाइम पे। या अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, तो आप देखेंगे कि आप सडनली वो चीज़ एक्सप्रेस कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ों को सोच रहा था किस तरह से हैंडल करूं, या सोच रही थी किस तरह से हैंडल करूं, वो सडनली आप रिएक्ट कर जाएंगे। तो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली पर्जिंग से गुजरेगी, और आपको हार्ट स्पेस में हैवीनेस फील हो सकती है गाइस। हार्ट में हैवी फील होगा, आपके कुछ फियर्स भी रिलीज होंगे इस टाइम पीरियड में, कुछ इमोशनल ट्रिगर्स भी मिलेंगे, और फियर्स आपके कुछ अगर हैं पास्ट के, तो वो चीज़ें रियलाइज होंगी। आप देखेंगे कि जिन फियर से आप गुजर रहे थे वो तो सब बेकार थे, सडन आपको रियलाइजेशंस होंगी। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के फियर इश्यूज यहाँ पर हील होंगे। और फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रॉन्ग हेडेक हो सकता है, आपके हेड स्पेस में हैवीनेस हो सकता है, और स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में आपको वाइब्रेशन फील हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। जब भी मैस्कुलिन एनर्जी हील होती है तो स्लीपी फील करते हैं आप, जो नॉर्मल स्लीप ले रहे हैं उससे एक्स्ट्रा आपको नींद आएगी। अगर आप 2 मिनट के लिए लेट रहे हैं, आप बहुत गहरी नींद में जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आप फील करेंगे। तो स्लीपी आप डेफिनेटली यहाँ पर फील करने वाले हैं। जब भी मैस्कुलिन एनर्जी हील होती है, तो आपका सोलर प्लेक्सी चक्र जब भी हील होता है, तो आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जाते हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा स्लीपी फील कर सकते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स आप देखेंगे चेंज हो सकती हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, गहरी नींद से उठ रहे हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, तो इट मीन्स आपकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि जब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील होती है, आपको फिजिकली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लेगी जब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील होगी, और आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, नॉर्मल से ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं खा रही हूँ, या बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। स्टमक में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि जब भी सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होता है तो स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आप देखेंगे कि आप फील कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स, या इसके पहले भी कुछ लोग ऑलरेडी फील कर रहे होंगे, या आने वाले टाइम में कुछ लोग फील कर सकते हैं, और एक्सप्रेसिव होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो मैस्कुलिन है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, खुल के खुद को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस मोड में आने लगेंगे। कि बहुत से मैस्कुलाइंस अपने दिल की जो भी बातें हैं आपको खुल के बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें अगर पहले हाइड करते थे, आप देखेंगे कि कॉपरेटिव हो रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों के मैस्कुलाइंस आपसे खुल के बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स और आने वाले टाइम में आप फील करेंगे। इसका ज़्यादातर इफेक्ट हमारी मैस्कुलिन एनर्जी पर है, और मैस्कुलिन एनर्जी जैसा कि मैंने बताया है कि आपके खुद के अंदर भी है, तो आपको भी इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है गाइस, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो चीज़ बाहर निकलना चाह रही है, बेशक आपका गुस्सा है, एंगर है, एग्रेशन है, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, उसे बाहर निकाल देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अब आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें जो आपने बहुत टाइम से सप्रेस करके रखी हैं। यहाँ पर एक्शन मोड में आने वाली है मैस्कुलिन जो हमारी एनर्जी है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जब भी एक्शन मोड में आती है, तो सबसे पहले एक्सप्रेसिव होगी, जो कुछ दबा है अंदर उसे बाहर निकाल देगी। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप में से कुछ लोग फील कर सकते हैं, एंड यही मैं होप करूँगी कि आप में से जो भी लोग इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द, क्योंकि ये जो एनर्जी है रीयूनियन की तरफ ही आपको लेकर जाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी जब भी पर्जिंग से गुजरती है, बहुत कुछ रिलीज करती है अपने अंदर से।
और बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के अंदर आती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ये एक्लिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपके मैस्कुलाइंस को बहुत हेल्प करने वाला है, उनकी इनर जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर एम्बेडेड है उसे रिलीज करने में। तो कुछ मैस्कुलाइंस की लाइफ में टावर मोमेंट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक एंडिंग्स डेफिनेटली होंगी। जब भी आप एक्शन मोड में आते हैं मैस्कुलाइंस, तो आप एक्शन ऐसा लेते हैं कि कुछ जो कर्मा है आपके रिलीज होते हैं आपकी लाइफ से, एंड वो एंडिंग्स होती हैं। तो हो सकता है गाइस आप में से बहुत से लोगों को नंबर 9/11 दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, या 11/9 नंबर बहुत से लोगों को सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 11/11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 888 नंबर, 777, 777, इस तरह के नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी बढ़ सकती है इस टाइम पे, स्पेशली नंबर 9/11 या 11/9 नंबर। तो अगर आपसे इन तरह के नंबरों की सिंक्रोनिसिटी हो रही है आपको, तो डेफिनेटली एनर्जी अपडेट आपके साथ रेजोनेट करने वाला है। तो ये तो था आज का एनर्जी गाइडेंस, और जो भी हमारा क्लिप्स है, तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और साथ ही साथ जो मेरा टैरो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली एनर्जी अपडेट देती रहती हूँ। तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड एक्लिप्स का जो भी इफेक्ट रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पर, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक टैरो रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द मेरे टैरो चैनल पर, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।